बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप हो और शिवानी उसमें हिस्सा ना ले, ऐसा तो हो ही नहीं। आइए आज फिर से एक बार प्रतियोगिता में हिस्सा लेने जा रहे हैं। क्या कहना चाहिए, क्या संदेश देना चाहिए सच आएगी। सेकेंड सीजन नहीं खेल पाई और थर्ड सीजन में मैं आई, लेकिन फर्स्ट और थर्ड में जो एक चेंजेस मैंने पार्टिसिपेट कर रही है, मैं बोल रही हूँ कि भाई अच्छी बात है और लड़कियों को इस सब में आना चाहिए। तो अभी जैसे जैसे अब जा रही है कॉम्पिटिशन और लड़कियों को ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट, तो मैं यही चाहूँगी कि लड़के इस बार हम हैं और अगले साल और ज़्यादा आए और इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि जो हम कॉम्पिटिशन में जाते हैं तो उनके ऊपर भी ध्यान दिया जाए। उनके जैसे समझ लो आप ड्रेसिंग रूम है, उनके वेटिंग रूम हो या चेंजिंग रूम हो, वो उनके ऊपर भी ध्यान दें। और यहाँ पे उनका से हमें ये सब अच्छा था, तो हमको अच्छा मिला। अच्छा बाथरूम थे, चेंजिंग रूम थे, यहाँ पे आप देख सकते हो इतना अच्छा वो अलग से बहुत अच्छा है और अच्छा है। और मैं यही जो साल आए हाँ जी हाँ जी जरूर जरूर एकदम अच्छी बात है। शिवानी दास जी हमारे साथ है और आज की इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर कईयों को ये अपना दास भी बना लेगी। आज क्या कहना चाहेगी शिवानी दास जी, आज की इस प्रतियोगिता के लेके उन क्लासिकल ने जो प्रतियोगिता रखी है, क्या संदेश देना चाहिए खास तौर युवा बच्चों के लिए, नारी के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे हम सब सोचते हैं कि फीमेल्स की जिम इज़ लाइक मैनली, बट इट्स नॉट एग्जैक्टली मैनली। हम हर कोई बॉडी बिल्डिंग नहीं कर सकता है, बट थिंक इसके सारे में फीमेल्स को ये बोलना चाहूँगी कि आप जिम को ऐसे मत समझो कि लाइक फीमेल जिम नहीं जा सकते हैं। फीमेल के लिए बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन पहले थी, पर आज फीमेल इतने टॉप में पहुँच गई है। और दूसरा चीज़ ये है कि लाइक फीमेल आज बॉडी बिल्डिंग भी कर रही है। तो मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल बनना चाहती हूँ कि लाइक अगर मैं फिट रह पा रही हूँ तो बाकी मेरे सारे जो भी फीमेल्स हमारी इंडिया की, वर्ल्ड की जो भी होंगे, क्योंकि मैं भी मोटिवेटेड हूँ, फीमेल्स बॉडी बिल्डर्स को देख के ही मोटिवेटेड हूँ। तो हम सब जो भी आज भी ओम क्लासिक में खेल रहे हैं, हम सबको देख के तो सब कोई ऐसे मोटिवेटेड रहे और बॉडी बिल्डिंग ना करे बट फिटनेस ट्रैक रहे, थोड़ा एटलीस्ट जॉगिंग वॉकिंग करके भी अपने आप को फिट रखे, क्योंकि आज हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अपनी हेल्थ को फिट रखने के लिए हमें वर्कआउट बहुत ज़रूरी है। बहुत बड़ी बात की उन्होंने कहा कि फिट रहेगा इंडिया। सबसे पहले मैं आपको पूरा परिचय जानना चाहूँगा, कहाँ से आए हैं, क्या नाम है? मेरा नाम प्रियंका है और मैं गुड़गांव से ही आई हूँ और मैं विजय क्लासिक में फिजिक्स 360 में जिम जाती हूँ। प्रियंका जी क्या कहना चाहिए, आज की जो प्रतियोगिता हो रही है इसको लेकर क्या विचार आ रहे हैं मन में, क्या कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगी कि आज ये मतलब पहले ही लोग मतलब जिम जाते थे तो ये सोचते थे हम एक फिटनेस के लिए जा रहे हैं या फिर मतलब ठीक है फिट होने के लिए जा रहे हैं, बट आजकल आप पहले सिर्फ बॉयज़ जाते थे बट अब लड़कियाँ भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने लग रही है। अच्छी बात है ये, उनमें से मैं भी एक हूँ क्योंकि मैं भी पहले टीचिंग लाइन में थी बट आप फिर मैं खुद अभी इस लाइन में आई हो। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, टीचर थी, पढ़ाते पढ़ाते बॉडी बनाने लग गए और इनका संदेश है कि फिट रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने आसपास लोगों को भी ये संदेश रहिए कि नशे से दूर रहें, और डेली अपना वर्कआउट करें, जिम जाएं, चाहे तुम कुछ भी करो पर अपने लिए 1 घंटा जरूर निकालें। हर कोई और हर किसी को निकालना चाहिए, क्योंकि कोरोना में हम देख चुके हैं कंडीशंस तो सब। सच की रफ्तार के माध्यम से, सनसनी रिपोर्टर के माध्यम से दर्शकों के लिए क्या संदेश है? मैं दर्शकों को यही कहना चाहूँगी कि फिट रहो, हम फिट तो सब फिट। तो और हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। मुस्कान जी हमारे साथ हैं, उनके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि जो उन्होंने मेहनत करी थी कई दिनों से वो सफल रही। और इनका मैं एक राज खोल दूँ कि ये घरेलू महिला है, एक बेटा और एक बेटी भी है, घर चलाते चलाते। और इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की प्रेरणा कैसे आई और आप कैसे भारत का नाम रोशन करें, क्या कहना चाहेंगे मुस्कान जी? चेहरे की मुस्कान बता रहे कि आज बहुत सारे राज आप खोलने वाली हैं, उन राज को खोलिए। हाँ, मैं बस आपको इतना ही बता देना चाहूँगी। 2013 में मेरी शादी हुई थी और 2014 में मेरा एक छोटा सा बेटा हुआ था। उसके बाद मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा पुट ऑन हो गया था, जिसके लिए मैंने जिम ज्वाइन किया देहरादून में। और वहाँ से फिर करते करते मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इस बॉडी को कुछ तो करना चाहिए। सो देन आई स्टार्ट द बॉडी बिल्डिंग एंड बिकनी एथलीट्स। उसका भी एक सवाल हो रहा है मेरा आपको, जो महिला है आपकी प्रतियोगिता में आकर बॉडी बिल्डिंग में आकर अपना नाम कमाना चाहती है और वो कहीं ना कहीं एक पर्दे में अभी अपनी प्रतिभा को छुपा रही है, उन महिलाओं के लिए आपके क्या संदेश है? मैं बस सबके लिए यही कहना चाहूँगी कि हर किसी को अपना लाइफ जीने का अधिकार है और डू सम फीमेल्स जो भी ये करना चाहती है, क्योंकि आज के टाइम पे सबको फिट रहना है, चाहे वो मैरिड हो अनमैरिड हो, हर किसी को फिट रहना है। और लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, बॉडी बिल्डिंग में कुछ नहीं है, बॉडी बिल्डिंग में सब कुछ है। मैं लास्ट 12 ईयर से कंटिन्यू हर ईयर परफॉर्म करती हूँ and I am very good achievements on this industry and I am very beautiful about my journey. मुस्कान जी, बहुत सारे लोग आपको प्यार करते हैं, बहुत सारे लोग आपको आशीर्वाद भी देते हैं। सच की रफ्तार के माध्यम से दर्शकों को एक बात बता दीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। ये जो अच्छा सच की रफ्तार को मैं सभी को, जो भी मेरे जो फैन हैं, मैं सबको बोलना चाहूँगी कि इसको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें एंड वी स्टार्ट। ये डेफिनेटली मुझे बहुत अच्छा लगा। आई वॉज वेरी अप्रिशिएट अबाउट एथलीट्स एंड जो भी इस तरह के लोग हैं जो एथलीट्स को आगे इंडिशेस करते हैं कि आपको लोग जाने, और जानते सिर्फ मीडिया के थ्रू ही आप किसी को जान सकते हो। एक पोज अच्छा सा। जो मतलब फीमेल का डोला है, पूरे हथौड़ा है। यस, नारी शक्ति की इज्जत करें, नारी प्रधान हमारा देश है, नारी शक्ति को ये मजबूत करिए। ये दोनों क्या जबरदस्त। समाज में जब आप बॉडी बिल्डिंग में तैयारी कर रही थी तो समाज नकारात्मक भी की तरफ से देखता है और सकारात्मकता भी देखता है, तो आपका कहीं ना कहीं मनोबल भी कई बार टूटा होगा, आत्मविश्वास डगमगाई भी होगी आप, लेकिन फिर भी आपने अपनी मंजिल तय थी, संघर्ष भी करा और आप मंजिल पे पहुंची भी। तो ऐसे लोग जो नकारात्मकता सोच सकते हैं नारी के प्रति कि वो बॉडी बिल्डिंग में आ रही है, कैसे कपड़े पहन रही है, अंग प्रदर्शन कर रही है, इस तरीके से जो सोच रखते हैं, उन लोगों के लिए क्या संदेश है? आई थिंक जो आप ये कह रहे हो कि नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं, आजकल ऐसे लोग मुझे लग रहा है 10% ही रह गए हैं, और 10% में भी वो लोग रह गए हैं जो मतलब कि चाहते ही नहीं है कि जो एक वुमेन्स या लेडी कोई आगे बढ़े, मतलब ईगो वाले बंदे जो हैं वो रह गए हैं। अदरवाइज़ जो मेरी फील्ड में है, जो मेरे स्पार्टन जिम हैं और मेरे नियर अबाउट जितने भी हैं, हर किसी ने मुझे सपोर्ट किया इस चीज़ में आगे बढ़ने। फैमिली भी सपोर्ट करती है? यस, फैमिली भी सपोर्ट करती है, यहाँ तक कि मेरी सोसाइटी जो अदर्स जो लेडी हैं जो मेरे से भी कम एज की हैं वो मुझसे एक्सपायर हुई है कि 2 बच्चों की माँ, इतनी फिट है। तो आज मीना जी इस मुकाम पर आकर किसका धन्यवाद करना चाहिए? सबसे पहले अपने ट्रेनर विशेष, बहुत सपोर्ट किया है इन्होंने, मेरा बहुत सपोर्ट किया है एज अ भाई की तरह, नो डाउट। और कितनी अच्छी बात है, इन्होंने कहा कि इनके बिना इनकी ये प्रतियोगिता शायद अधूरी रह जाती और सारा श्रेय ये इनको देती है। क्या नाम है सर आप? विशेष नाम। तो मुझे लगता है आप इनके लिए विशेष ही है। चलिए, हम मीना जी को शुभकामनाएं देते हैं। बोलना चाहूँगा, देखिए मैं सभी वुमेन्स के लिए बात बोलना चाहूँगा, जैसे मीना कुमारी एज चलो मैं नहीं बोलूंगा। मीना कुमारी 2 बच्चों की माँ है। एक बड़ा बच्चा इनका 6 साल का है, छोटा 4 साल का है, 3 साल का। तो अगर ये अपनी फिटनेस मेंटेन कर सकती है नेचुरल, पहली बात आती है नेचुरल, अगर ये अपनी फिटनेस मेंटेन कर सकती है नेचुरल तो आप सब भी कर सकते हैं। तो घर में बैठने से अच्छा है कि आप अपनी फिटनेस पर मेंटेन कीजिए और हेल्थ के लिए आप अपना थोड़ा जागरूक हुई है। बहुत बढ़िया बात की। मुझे मीना जी से प्रेरणा मिलती है जो महिला अपने बात बोलना चाहती हूँ सारे वुमेन्स के लिए, मैरिड के लिए, जो अनमैरिड हैं, कि ठीक है परिवार हमारे लिए पहले आता है, बच्चे हमारे लिए पहले आते हैं, उससे पहले हम पहले आते हैं। पहले अपना ध्यान रखो, अपने फिटनेस का ध्यान रखो। अगर आप अपनी फिटनेस का ध्यान नहीं रखोगे तो आप अपने बच्चों का भी ध्यान नहीं रख पाओगे, अपने परिवार का भी ध्यान नहीं रख पाओगे। अगर हम फिट हैं तो सब फिट है। बहुत बड़ी बात कही मीना जी ने। कहा सोच बदले देश बदलेगा, और खुले में सोच बिल्कुल ना। सबसे ज्यादा अपनी मम्मी और पापा का ही करूँगी, सपोर्ट उन्होंने किया है मुझे। क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि सब बोलते थे कि ये लड़की ऐसे करेगी, ऐसे कपड़े पहनेगी, क्योंकि मेरा जो एरिया है ना बहुत ही गंदा है, लाइक बहुत बैकवर्ड एरिया, सोच भी बहुत छोटी है। तो मेरे मम्मी पापा उन सब चीज़ों को छोड़ के उन्होंने ये बोला कि जो तुझे करना है तू कर, हम खड़े हैं तेरे साथ। सविता जी ने कहा कि आज का श्रेय, इनकी सफलता का श्रेय अपने माता पिताजी को देते हैं। और सोच बदलेगा तो देश बदलेगा। बने रहे। रीना चौधरी जी हमारे साथ है, नोएडा से वो आए हैं, पहली बार इन्होंने पार्टिसिपेट किया और सफलता भी इन्हें मिली। और आज किसको श्रेय देना चाहिए इस प्रतियोगिता में जो आपने हिस्सा लिया, आपको सफलता मिली, आज किसको श्रेय देना चाहिए? मेरे मोटिवेटेड गुरु हैं सनी गुरु, इन्हीं की वजह से ये सीरियसली बहुत मोटिवेटेड हैं। Day 1 से मेरे को लगता था मैं नहीं कर पाऊंगी कुछ भी, मेरी पोजिंग बहुत गड़बड़ रहेगी। इन्होंने बोला नहीं पोजिंग अच्छी होगी, करो। और मोटिवेट भी है, कभी डिमोटिवेट नहीं किया कि नहीं कर सकते, नहीं भी होता था तभी बोलते थे नहीं आप कर सकते हो। इनका सबसे बड़ा हाथ है। तो मैं आज का जो इवेंट है इसको लेकर क्या कहना चाहूँगी? आज का इवेंट पहले से भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, और कैश प्राइज भी पहले से ज़्यादा है, लड़कियाँ भी पहले से बहुत ज़्यादा है। वो बात अलग है कि तुम कुछ नाराज़ हैं, बट कोई बात नहीं, कॉम्पिटिशन होता है, कॉम्पिटिशन में कोई हारता है कोई जीतता है, तो नाराज़। अच्छा, जो घर में जो महिलाएँ रहती हैं जो जिम नहीं जा पाती उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? में रहती हैं खुद आप एथलीट हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? देखो जिम जाके ही बॉडी नहीं बनती है, ये बहुत सारी चीज़ें में भी हो सकती है। और सबसे यही तो कमी हमारे देश में किस तरीके से खाना है, चीज़ की कमी है, अवेयरनेस नहीं है। और फिट रहना वैसे भी बहुत जरूरी है। कितनी बीमारियों से आप दूर रह सकते हो, सारी बीमारियों से दूर रह सकते हो। आपकी एज कम लगेगी, आप अगर ज़्यादा एज के हो तो आप कम दिखोगे, आपको देख के लगता है। ये सबके साथ है, मेरे साथ नहीं है। अच्छा, जितनी भी औरतें हमारे चैनल के माध्यम से जितनी भी महिलाएं आपसे देख रही हैं, जितनी भी लड़कियाँ देख रही हैं, उनको क्या कहना चाहिए? मैं बस इतना ही कहूँगी, थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालो, बेशक 1 घंटा ही निकालो, अपने आप को टाइम दोगे तो, क्योंकि सारा घर आपको ही संभालना है, तो आप अपने आप को टाइम दोगे तो यानी कि घर को आप अच्छे से आगे संभाल पाओगे। बीमार हो जाओगे तो आप उतना ही फिर उनको टाइम नहीं दे पाओगे, फिर घर तो फिर नहीं चल पाएगा ना। सबसे मेन तो घर की नींव तो वही है। ठीक है, तो अब अगले साल भी अपना ये ओम क्लासिक बिल्कुल बिल्कुल कराएंगे। तो हमारी शुभकामनाएं। सीजन 3 है ये।